सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जो आपका यूपी पेट का 2021 का प्रश्न पत्र हुआ था सेकंड शिफ्ट का, जो इवनिंग का शिफ्ट था सेकंड शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था, उसके जो आपके ग्राफ के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे पहले दो ग्राफ के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद दो सारणी वाले प्रश्न को देखेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, मैथ्स के सभी पूरे 25 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं, उसका वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है। देखिए, निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित रेखा चित्र में सीमेंट के विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है, इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, सीमेंट के उत्पादन कितना सीमेंट कंपनी बना रही है मिलियन टन में दिया गया है, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। तो अब इसी से जुड़े यह ग्राफ आपको देखना है। देखिए, यहाँ पे 40 मिलियन टन से लेकर के 100 मिलियन टन यह उत्पादन यहाँ पे दर्शाया गया है, और यहाँ पे वर्ष दर्शाए गए, जैसे 2009 में 42 मिलियन टन, 2010-11 में 44 मिलियन टन, 2016-17 में 55 मिलियन टन। तो इस तरीके से आपको उत्तर देना है प्रश्नों का। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, किस वर्ष उत्पादन में सबसे अधिक घटोत्तरी हुई है? इस वर्ष घटा उत्पादन के स्तर में सबसे अधिक घटोत्तरी किस वर्ष हुई है, यह आपसे जानना चाह रहा है। तो देखिए, 12-13 में, अब 12-13 को अगर आप देखेंगे, वर्ष 12-13 में, तो 12-13 में क्या हुआ है, 58 से 55 घटा है, यानी कि 3 मिलियन टन घटा है। और यहाँ पर देखिए 3 मिलियन टन घटा है। इसी साथ ऑप्शन बी देखिए, 15-16 में, 15-16 में देखिए कितना घटा है, तो 15-16 में कितना हो गया है, 15-16 में 60 हो गया, और उससे पहले कितना था, 98 था, तो कितना घटा है, 38 घटा है। तो 15-16 में घटा 38 मिलियन टन, और 16-17 में कितना घटा, पहले 60 था और अब 55 हो गया, यानी कि 5 घटा है। इसके बाद देखिए ऑप्शन डी में, देखिए आप ऑप्शन डी में 19-20 दिया है, तो 19-20 में कितना घटा है, 90 से 80 हुआ है, 10 मिलियन टन घटा है। तो सबसे अधिक जो घटा है वह 38 घटा है, 38 घटा है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहीं पे प्रतिशत घटोत्तरी पूछता तो हम लोग पहले देखते कितना घटा है और पिछले साल जितना था उससे भाग करते और 100 से गुणा कर देते, लेकिन यहाँ पे केवल सिंपली पूछा है कि अधिकतम स्तर किस वर्ष घटा, सबसे ज्यादा घटोत्तरी किस वर्ष हुई है, तो 15 और 16 में हुई है, 38 मिलियन टन की। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 82 है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, किस वर्ष अधिकतम वृद्धि हुई, अब यहाँ पे जानना चाह रहा है। तो अधिकतम वृद्धि ऐसे ही देख लीजिए आप, या ऑप्शन से देखिए, चलिए ऐसे ही देखते हैं, ग्राफ से देखते हैं अधिकतम वृद्धि किस वर्ष हुई। देखिए यहाँ पे वृद्धि हो रहा है 42 से 44, तो 2 वृद्धि हो रहा है, 44 से 58 वृद्धि हो रहा है, तो कितने की वृद्धि है, 14 की वृद्धि है। इसके बाद देखिए यहाँ पे घटा है, इसको छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए 55 से 90 हुआ है, यानी कितने की बढ़ोतरी हुई है, 55 से 90 यानी कि 35 की बढ़ोतरी हुई है। और उसके बाद 90 से 98 देखिए 8 बढ़ा है, फिर इसके बाद देखिए 55 से 80 बढ़ा है, तो 55 से अगर 80 बढ़ा है तो कितना बढ़ा होगा, 25 बढ़ा है। इसके बाद 80 से 90 10 बढ़ा है। अब यहाँ पे देखिए सबसे अधिक वृद्धि आपसे पूछा है, अधिकतम वृद्धि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, तो अधिकतम वृद्धि कहाँ दिख रही है आपको, 35 मिलियन टन, यानी कि वर्ष 13 और 14 में 90 जब हो गया, 55 से 90 जब हो गया वर्ष 13 और 14 में, तो सबसे अधिक वृद्धि हुई वर्ष 13 और 14 में, ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 83 है, प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था, पहले 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन कितना था,
यह आपसे पूछ रहा है। तो पहले 3 वर्षों में कितना उत्पादन था, यह आप देख लीजिए। तो पहले 3 वर्षों में देखिए, पहले वर्ष में जो उत्पादन था वह 42 था। पहले वर्ष में उत्पादन 42 था, फिर 44 हुआ, फिर 58 हुआ। तो इन्हीं 3 वर्षों में औसत उत्पादन आपसे पूछ रहा है। तो 42 धन 44 धन 58, तीनों को आप जोड़ लीजिए और 3 से भाग कर दीजिए, यही एवरेज आपको मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 8 4 12 और 2 14, हासिल लगा 1, और 5 4 9 और 4 13, और हासिल लगा 1, हो जाएगा 14/3। 3 से काटेंगे तो कट जाएगा 4 बार में, और उसके बाद 2 बचेगा, 2 और 4 24 हो जाएगा। 24 कितने बार में कट जाएगा, 8 बार, यानी कि उत्तर कितना आ जाएगा, 48 मिलियन टन। जो औसत उत्पादन हो जाएगा वह 48 मिलियन टन हो जाएगा पहले 3 वर्षों का। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 84 नंबर। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष, अधिकतम उत्पादन आपको कुछ देखना ही नहीं है, अधिकतम उत्पादन किस वर्ष हुआ यह पूछ रहा है। तो आपको सीधे सीधे इसमें बस देख लेना किस वर्ष सबसे ऊंचा ग्राफ आपका गया है, अधिकतम उत्पादन किस वर्ष हुआ यह पूछ रहा है। तो अधिकतम उत्पादन कितना है, 98, और यह किस वर्ष में हुआ, 14 और 15 में हुआ है। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिकतम उत्पादन ज्यादा से ज्यादा सबसे ज्यादा किस वर्ष उत्पादन हुआ है, 14 और 15 में। तो ऑप्शन बी 14 और 15 सही हो जाएगा, 2014-15। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 85 है, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना था, यह आपको बताना है। तो देखिए वर्ष 2011-12 की बात की जा रही है यहाँ पे। तो देखिए वर्ष 2011-12 में उत्पादन कितना था, 58 था, और यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है। तो वृद्धि कितनी हुई है, 58 माइनस 44, और प्रतिशत निकालना है। तो पहले कितने थी उससे भाग कर देंगे और गुणे 100, तो ये हो जाएगा 58 में से 44 कट जाएगा, 14/44 और गुणे 100। अब काटिए तो 7/22 गुणे 100 यही आ जाएगा। तो 2 से काटिए, 11 और ये 50, 50 का गुणा 3 में होगा तो 350/11, फिर 11 से काटिए 33 और 20 बचेगा 1, फिर 0.9, 90 हो जाएगा, और 90 में जाएगा कितने बार, 8 बार, 88, तो 31.8% यही उत्तर आएगा, 31.8%। यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। वृद्धि जो हमको मिली थी वह 14 की मिली थी, और पिछला जो उत्पादन था वह 44 था, इसी में 100 का गुणा कर दिया है, यही हमने कैलकुलेट कर लिया, तो 31.8% आ गया। इस तरीके से यह 5 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, यह पूरा आप बहुत आसानी से कर सकते थे। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 86 से 90 तक है, दिया गया ग्राफ एक वस्तु एक्स के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है, दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे देखिए एक वस्तु कोई है एक्स, उसका इंपोर्ट किया जा रहा है, और वह कितने करोड़ रुपए का उसका इंपोर्ट, कितने रुपए में वह वस्तु खरीदी जा रही है, यह एक तरफ दिखाया है और एक तरफ वर्ष दिखाया है। मतलब बाहर किसी देश से कोई सामान एक्स मंगाया जा रहा है वर्ष 2013-14 में 700 करोड़ का, 2014-15 में 900 करोड़ का, इसी तरीके से 16-17 में 1200 करोड़ का, 17-18 में 1300 करोड़ का, और 18-19 में 2000 करोड़ का। ठीक, इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे ग्राफ को। अब ग्राफ पे क्या प्रश्न बन रहे हैं, चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं और उनको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत है। तो वर्ष 2014 और 2015 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि का प्रतिशत हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, पहले आप खुद से सॉल्व करिए और आंसर कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे इसका। देखिए 14 और 15 और 15 और 16 की बात की गई है, 14 और 15 में
900 करोड़ का एक्स मंगाया गया था और फिर उसके बाद 15-16 में 1200 करोड़ का। तो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है आपसे, तो वृद्धि कितनी हुई है? 1200 करोड़ माइनस 900 करोड़, कितनी वृद्धि हुई? 300 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है एक्स के आयात में। अब प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि के लिए वृद्धि बटे पहले कितना था, किससे कंपेयर कर रहे हैं? वर्ष 2014-15 से, 14-15 का उत्पादन से हम लोग भाग दे देंगे और गुणे 100। अब 100 से गुणा होगा तो 2 शून्य 2 शून्य कट जाएंगे, 3 से काटेंगे तो ऊपर बचेगा 100, नीचे बचेगा 3, और 3 से 100 में भाग जाएगा तो 33.33% आ जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। 2014-15 के कंपैरिजन में 2015-16 में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वह 33.33% की हुई है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 87 है, सभी वर्षों के लिए वर्ष द वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत रुपए करोड़ में है। अब सभी वर्षों में पूछ रहा है कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात में वृद्धि का औसत कितना है। औसत आपको बताना है कितना बढ़ रहा है सभी वर्षों के लिए। तो यहाँ आपको पूरे ग्राफ को ध्यान में रखना है, यहाँ पे एक्स का इंपोर्ट औसतन कितना बढ़ रहा है यह आपको बताना है। तो ओवरऑल देखोगे पहले साल में 700 करोड़ का मंगाया गया था और अंतिम वर्ष में कितना, 2000 करोड़ का मंगाया गया। तो यहाँ पे देखिए कितना वृद्धि हुआ है, वृद्धि देखिए 700 करोड़ से लेकर के 2000 करोड़ तक का इंपोर्ट एक्स का होने लगा है। और यह कितने साल की वृद्धि है, देखिए पहले साल बढ़ा है तो 900 करोड़, फिर दूसरे साल 1200, फिर तीसरे साल फिर 1200, फिर चौथे साल फिर पांचवें साल, 5 साल तक बढ़ता गया है। ठीक है, पहले को काउंट नहीं करेंगे, दूसरे से काउंट, पहली वृद्धि, दूसरी वृद्धि, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 बार वृद्धि हुई है। तो औसत वृद्धि कितनी हो जाएगी, कुल कितनी वृद्धि हुई है, 2000 करोड़ माइनस 700 करोड़, और औसत निकालना है तो 5 से भाग दे देंगे क्योंकि 5 साल तक बढ़ा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1300 बटे 5, 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो 2, उसके बाद 6 और 0, 260। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा, 260 करोड़ रुपए की वृद्धि औसतन हर एक साल हुई है। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 88 है, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। अब देखिए एक्स का औसत आयात कितना था, एक्स का औसत आयात अगर हम लोग देखें तो एक्स का औसत आयात कितना होगा, सभी को जोड़ लीजिए, सभी वर्षों को, सभी वर्षों के आयात को आप जोड़ लीजिए, तो सभी वर्षों के आयात को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 700-900 हो जाएगा, 1600-1200 हो जाएगा, 2800, फिर 1200 कितना हो जाएगा, 4000, और 1300 कितना हो जाएगा, 5300, फिर 200 जोड़ेंगे तो 7300 बटे, ये कितने वर्षों का आयात है, 6 वर्षों का, तो बटे 6 हो जाएगा। एक वर्ष का आयात कितना आ जाएगा, पहले 2 से काट दीजिए, बटे में 3 आ जाएगा और अंश में कितना आ जाएगा, 3650, 3650 बटे 3, 3 से काटिए, 1 2 1, और यहाँ बचा हासिल 2, और जाएगा ये कितनी बार, 6 बार जाएगा और 10 फिर 6, तो 1216.6 करोड़ रुपए का आयात लगभग हर वर्ष हो रहा है। तो पिछले कितने वर्षों में, यही आपसे पूछ रहा है, विगत कितने वर्षों में एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। तो विगत वर्षों की बात हो रही है, मतलब जो वर्ष अभी अभी बीते हैं, तो अभी अभी कौन सा वर्ष बीता है, जल्दी में 2018 बीता, 19 बीता, ये सब पहले बीत गए होंगे, ये सब पहले बीते हुए वर्ष हैं। तो 18, 19, 16, 17 ऐसे हम लोगों को उल्टा चेक करना है। तो देखिए उल्टा चेक करेंगे, 18-19 में प्रोडक्शन इंपोर्ट कितना है, एक्स का इंपोर्ट 2000 करोड़ का है, ठीक है, जो कि 1216.6 करोड़ से ज़्यादा है। इसी तरीके से 1300 करोड़ भी ज़्यादा है, फिर 1200 करोड़ कम है, बाकी सब कम है। पिछले 2 वर्ष में जो होगा औसत इंपोर्ट जो है वह
इंडिविजुअल इंपोर्ट से कम है, ठीक है। पिछले 2 वर्षों में जो आयात है वह औसत आयात से ज्यादा है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा 2, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखिए लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है। वर्ष 2018-19 की बात की जाए, प्रश्न में कह रहा है वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे जो बोल रहा है, आपको बस देखना है 2018-19 में एक्स का कितना इंपोर्ट किया गया है, कितना आयात किया गया है और औसत कितना आयात किया गया है। यही दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और ये दो चीजें जब आप ध्यान में रखोगे उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आयात में कितनी औसत वृद्धि हुई है, कितने एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, यह आपसे पूछ रहा है। और कब, एक तो वर्ष 2018-19 में आपसे पूछ रहा है और औसत के हिसाब से पूछ रहा है आपसे। जो औसत आपने निकाला है कि सभी वर्षों में औसत एक्स का आयात कितना है, औसतन एक्स का आयात कितना है, 1216.6 करोड़ रुपए का आयात है। अब आपसे कह रहा है कि वर्ष 2018-19 में एक्स के आयात में जितनी वृद्धि हुई है वह कितने प्रतिशत की है, और कंपैरिजन हमें किससे करना है, हमें कंपेयर करना है औसत जो है, औसत आयात जो है एक्स का उससे। देखिए वर्ष के एक्स के आयात के सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है, यह आपसे पूछ रहा है। तो अब देखिए वृद्धि निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जितना आयात हो रहा है 18-19 में से, 18-19 वर्ष में जितना आयात हो रहा है वर्ष 2018-19 में, उसमें से घटा देंगे 1216.6, यह घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1200 घटता तो 800 बचता, और 800 से ज्यादा 16 तो 700, और 16 84 83.4, तो इतनी वृद्धि है। अब इसी को आपसे प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितनी प्रतिशत की वृद्धि है, तो प्रतिशत वृद्धि अगर निकालना है तो हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि औसत कितना, तो गुणे 100, ठीक, इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए देखते हैं, अब ऊपर नीचे दशमलव हटा लेंगे, 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 7834 बटे नीचे हो जाएगा 12166 गुणे 100। देखिए इसी वैल्यू को हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो इसको आसानी से कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये देख लीजिए आप, 7834 बटे 12166 गुणे 100। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग, इसी को सॉल्व कर लेना है आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 7834 बटे 12166, बस दशमलव हमने हटाया है और गुणे 100 तो है ही, प्रतिशत में उत्तर आएगा। अब देखिए 2 से ऊपर नीचे काट दीजिए तो नीचे काटेंगे तो हो जाएगा 6083, ऊपर काटेंगे तो 50 बचेगा। अब देखिए कट नहीं रहा है ऊपर नीचे, तो 50 से ही काट दीजिए 6083 को, तो काटेंगे तो एक बार में, फिर बचेगा 10, 108 हो जाएगा, 108 यानी कि दो बार जाएगा, फिर बचेगा 8 हो जाएगा 83 यानी कि एक बार जाएगा, फिर उसके बाद 83 में एक बार गया है और बचा है 33 बचा हुआ है, तो दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 330 और 6 बार जाएगा, ठीक है। तो ये सब कट गया, आ गया कितना 7834 बटे 121.6। अब इसी को सॉल्व करके हमें उत्तर लाना है। अब देखिए 121.6 का भाग कर देंगे 7834 में, अब 121.6 को आप चाहें तो 122 भी लिख दीजिए और भाग आपकी आसानी से हो जाएगी, 7834 में भाग दे दीजिए। अब देखिए 3 अंक यहाँ है 122 और यहाँ 3 अंक देखिए 783 है, तो लगभग कितने बार, 6 बार तो जाएगा, 6 से 7 बार, 7 बार नहीं जाएगा क्योंकि ऐसे आप सोचिए 100 होता और 700 होता तो 7 बार जाता, लेकिन यहाँ है 122, ठीक है, तो 22 अधिक है तो 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार ले जाएंगे तो 6 × 12 = 2 हासिल लगाए, इसी तरीके से 6 × 12 = 13 हो जाएगा, हासिल लगाए
6916 7732 आ रहा है। अब 3 में से 2 जाएगा 1 और 8 में से 3 जाएगा 5 और यहाँ 4 उतर जाएगा हो जाएगा 514। अब देखिए 514 और यहाँ 122, तो 4 बार जाएगा, 4 का गुणा होगा 122 में, तो 4 दुनी 8 फिर 4 दुनी 8 और 4 एक 9 4, 488। 14 में से 8 कटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा और यहाँ पे 0 बचा है, हासिल इधर आएगा। 10 में से 8 कटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 26 यहाँ पे शेष बच जाएगा। अब दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 260 और जाएगा 2 बार, 260 2 बार यानी कि हो जाएगा 244, फिर कितना बचेगा, 16 बचेगा, 160, 64.12 जो भाग करने के बाद आ रहा है 64.21% आ रहा है। और हमने थोड़ा सा यहाँ पे देखिए भाग में वैल्यू जो है भाग की वैल्यू बढ़ाई थी, यानी कि ओवरऑल वैल्यू थोड़ी सी घटी हुई हमको मिलेगी, यानी 64.21% जो आपको मिल रहा है वो यहाँ पे 64.38% के बराबर है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर लोगे। आपको उम्मीद है सभी 5ों प्रश्न समझ में आए होंगे। अब इसके बाद दोस्तों 2 तालिकाएं हैं, 2 टेबल्स के क्वेश्चन हैं, मतलब 10 क्वेश्चन है टोटल, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को दोस्तों आप लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आप। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे ऑल सेलेक्ट का ऑप्शन कर लीजिएगा। सभी महत्वपूर्ण लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।